तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो जो कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम है काइंड मास्टर। ये आसानी से जो है आपको प्ले स्टोर के ऊपर से मिल जाएगा। आप वहाँ से जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको जो है इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने प्लस पर क्लिक करना है और 9.16 की रेशियो से इसको जो है आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपका जो ओरिजिनल जो वीडियो पड़ा है उसको जो है आपने यहाँ से उठा लेना है। जैसे मेरा ये वीडियो पड़ा है यहाँ पर, यहाँ से हम इसको जो है उठा लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हमारा वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी तक ये उठा ही नहीं है यार, तो दोबारा इसको उठाते हैं यहाँ से, ये पड़ा, और यहाँ से इसको जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है यहाँ से ये कट कर देना है यहाँ से, ठीक है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से हमने आगे जाने देना है, ये यहाँ तक, यहाँ पर आपने जो है स्प्लिट एड प्ले हेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से जो है ये भी आपने जो है आगे से ट्रिम टू लाइट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने एक 15 सेकंड की वीडियो बनानी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है कलर फिल्टर्स में, यहाँ पर आपने जो है इसको जो है ये वाला कलर आपने इसको दे देना है, ठीक है। ये वाला कलर आप इसको दे देंगे तो, और एक और चीज़ आपने करनी है, स्पीड कंट्रोल पर आना है और इसको जो है आपने बढ़ा देना है ये 15 सेकंड तक। ओके हो गया जनाब। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कलर एडजस्टमेंट में जाना है, ठीक है। इसको आपने नीचे लेके आना है कुछ इस तरह से, इसको आपने ऊपर लेके जाना है इस तरह, इसको आपने या इस तरह से लेके आना है, और इसको जो है आपने यहाँ से ऐसे ही लेके आना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका वीडियो जो है बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। हम दोबारा से जो है प्लस में जाएंगे, 9.16 की रेशियो से इसको जो है यहाँ से ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमने जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद आपने जो है जो अपना जो है फ्लैग वाली जो वीडियो है उसको जो है फ्लैग वाली जो वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब से, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आपने उसको जो है वहाँ से जाकर जो है उसको उठा लेना है, ठीक है, और इसको जो है यूज़ कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो पड़ा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से जो है कट कर देना है, ये वाला जो है ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, ठीक है, इस कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ पर जूम करके इसको आपने यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और काम भी आप यहाँ पर कर लो, लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ, एक और भी काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वोल्केनो वाली वीडियो, वो भी आप यहाँ पर जो है लगा सकते हो, कि बहुत ही जो है इससे जो है वीडियो आपकी जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको लेके आओ नीचे ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको चलाकर देखें तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है, देखिएगा, ठीक है। अब हमारा जो ओरिजिनल वीडियो उसको यहाँ से उठाते हैं, जो हमने अभी अभी जो है इसको जो है एक्सपोर्ट किया है, तो ये हमारा जो है वीडियो, इसको यहाँ से उठा के हम जो है यहाँ से फुल स्क्रीन दे देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपने सीधा क्रोमा की में चले जाना है यहाँ से, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से जाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वीडियो चलाकर देखें तो यहाँ पर ये हमें पता लग जाएगा कि ये वीडियो हमारा किस तरह से बन चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लैग का निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसका एक और भी हल निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एक और चीज़, ये यहाँ से जो जहाँ से जो है सलाम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये यहाँ से अपना ये जो वीडियो है इसको जो है हम यहाँ से जो है स्प्लिट एड प्ले हेड कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको आगे लेके आना है और इसको भी हमने जो है आगे लेके आना है यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको जो है हमने थोड़ा सा आगे कर लेना है यहाँ से, ये ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और जो वोल्केनो वाली वीडियो है उसको हमने जो है आगे कर देना है इस तरह। अब हम इसको जो है ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो जो है किस तरह से बन चुका है। तो वोल्केनो वाली वीडियो काफ़ी ही आगे चल गई है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चला कर देखते हैं, अच्छा, क्रोमा की में जाएंगे हम। क्रोमा की में जाने के बाद इसकी मजीद जो है एडजस्टमेंट हमने जो है यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से जो भी एडजस्टमेंट बनती हो ना, आपने उसकी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेनी है, ठीक है, ऐसे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो जो है ओरिजिनल यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर आप ऑडियो में जाना है, यहाँ पर जो है आपने जो है एक साउंड दे देनी है। साउंड आपको आसानी से यूट्यूब के ऊपर से मिल जाएगी, ठीक है। उस साउंड देने के बाद आपने जो है यहाँ पर जो है शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह के बाद।